हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो गाइस, जालो बात करने वाले इस वीडियो में असम राइफल रिक्वायरमेंट 2022 से ट्रेड टेस्ट बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टूडेंट है जो पास करके आ गया ट्रेड टेस्ट, यू बिल्कुल आप लोग का रिव्यू देने वाला। इससे पहले वीडियो आप लोग अपलोड किए थे ऑडियो से रिलेटेड, मतलब ऑडियो बताया था वो, तो इसलिए साफ नहीं आवाज़ आ रही थी, तो बहुत लोगों का कमेंट आया रहा था, मतलब कि वो पीडीएफ बना के आप लोग क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, इसलिए मैं पीडीएफ बनाकर डिस्कस करने वाला इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। अभी नए चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नए वीडियो सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फर्स्ट आप लोग बताते, पहले आप लोग को 20 क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था, 20 क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं वहाँ पर, और आप लोग को कम से कम 12 क्वेश्चन बताना है, 12 से क्वेश्चन बताना है तभी आप लोग सही पास कर रहे हैं टेस्ट में, ठीक है दोस्तों। टेस्ट में आप लोग को बताने वाला क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि रेजिस्टेंस, मतलब आप लोग को रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप लोग वहाँ पूछा था रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप लोग हिंदी में उसे प्रतिरोध करते हैं रेजिस्टेंस को, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक आप लोग ओम होता है, ठीक है दोस्तों, ओम होता है ओम। दोस्तों अगर ने पूछा डेफिनेशन, आप लोग को पूछ सकता है डेफिनेशन क्या हो, जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसे मतलब चालक का प्रतिरोध कहते हैं या रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तभी कोई भी मतलब धारा होता है, मतलब बहता है जो तार में, तो उसको रोकने के लिए जो मतलब रुकावट डालता है, तो उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, जो इस तरह आप लोग को देखे होंगे जो लगा हुआ था, इससे इस तरह लगा हुआ, इससे प्रतिरोध होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए आप लोग, बैटरी, बैटरी कितने प्रकार की होती है, आप लोग को बात करें तो बैटरी दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की बैटरी होती है, एक रिचार्जेबल बैटरी और एक होती है नॉन रिचार्जेबल बैटरी। बात करें रिचार्जेबल बैटरी, तो इस प्रकार की बैटरी को बार बार चार्ज किया जा सकता है, क्या इस प्रकार के रिचार्जेबल बैटरी को बार बार चार्ज किया जा सकता है, मोबाइल या किसी भी अन्य बैटरी वाले डिवाइस में, डिवाइस में लिथियम आयरन बैटरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। जो मोबाइल आप लोग का जो भी अन्य बैटरी हो, तो इसमें हम लोग लिथियम आयरन का निर्माण होता है, जो इन्वर्टर की बैटरी भी होती है, उपयोग होने वाली बैटरी भी रिचार्जेबल होती है, ठीक है दोस्तों। बात करें इन बैटरी में रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों नॉन रिचार्जेबल की बैटरी की, तो इस प्रकार की बैटरी के रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, इन्हें मतलब यूज एंड थ्रो भी कहते हैं, इन्हें मतलब यूज एंड थ्रो भी, मतलब रिचार्ज करके फेंका जा सकता है, मतलब उसका उपयोग नहीं आता है दोबारा। इस प्रकार पावर खत्म होने के बाद मतलब वापस रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि वालों को बात करते टीवी की रिमोट की बैटरी, टॉर्च की बैटरी और घड़ी की बैटरी इत्यादि नॉन रिचार्जेबल बैटरी है। सबसे अधिक उपयोग होने वाला बैटरी का नाम क्या है, तो पूछ सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप लोग का ये आप लोग का नॉलेज है, तो लेड आप लोग का एसिड है। तो इस बैटरी में मुख्यतः मतलब खासियत है रिसाइकिलिंग होती है, इस बार बार मतलब चार्जिंग किया जा सकता है, ठीक है। रिसाइकिलिंग का मतलब बार बार मतलब चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट आप लोग का पूछा है कि बैटरी में एएच का मतलब होता है, एएच का मतलब एम्पियर आप लोग का हावर होता है, घंटा होता है, ठीक है। तो एम्पियर हावर होता है, तो इसे दर्शाता है कि, ठीक है दोस्तों, बैटरी एक घंटे में कितने हावर की कितने एम्पियर की दे सकती है, तो ये आप लोग को दर्शाता है। दोस्तों पूछा है कि बैटरी किसकी बनी होती है, तो आप लोग बता सकते हो बैटरी किससे मिलकर बनी होती है, तो बैटरी तीन बेसिक मतलब कंपोनेंट से बनी होती है। तो पहले आप लोग को जो कि अपना एनोड, कैथोड और आप लोग का इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो एनोड और कैथोड, एनोड का आप लोग को बता सकते हैं हम, एनोड का आप लोग प्लस का सिंबल होता है, आप लोग कैथोड पर माइनस का सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को याद रखिएगा दोस्तों। यानी मतलब बैटरी अम्ल होती है, अम्ल एक प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। बात की जाए बैटरी का मात्रक क्या होता है, बैटरी का आप लोग को क्षमता किलोमीटर मिलीमीटर प्रति घंटे होती है, ठीक है, एम ए और एच होता है, ठीक है दोस्तों, मापी जाती है। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा है कि देखिए वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन ये पूछा गया था, बताया तो सभी जो डिस्कस कर रहे हैं पूछा गया था, जहाँ बताएंगे नहीं पूछा गया तो क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फर्स्ट आप लोग मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ आप लोग, देखिए यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा था, क्वेश्चन आ गया आप लोग कंप्यूटर से, दो क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ रहे हैं, कंपल्सरी आप लोग का कंप्यूटर से फुल फॉर्म आप लोग को पूछ मतलब याद करके जाइए। तो यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा था आप लोग का, यूनिट इंटरटेबल आप लोग का पावर सप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को देख लीजिएगा। और आप लोग का यूपीएससी या निर्बाध विद्युत आपूर्ति विद्युत उपकरण संवेदनशील उपकरण को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, क्या मतलब कहने का मतलब है कि जिससे कंप्यूटर को बिजली अर्थात पावर सप्लाई कट होने के बाद भी चलाया जा सकता है, उसे को हमको मतलब कि यूपीएस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर आप लोग को चलता है, लाइन कट गया तब भी आप लोग मतलब कंप्यूटर चलता रहता है, इसी को हम मतलब यूपीएस बोलते हैं, 10 मिनट आप लोग का बेसी चलता है, तो इसी को हम लोग को ईपीएस बोलते हैं। दोस्तों ईपीएस में कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बता सकते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहले आप लोग का स्टैंड बाई ईपीएस, आप लोग का लाइन इंटरेक्टिव ईपीएस, आप लोग ऑनलाइन ईपीएस होता है, तीन प्रकार के ईपीएस होता है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग का, देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछा गया था, मैं आप लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा हूँ। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो आप लोग बता सकते हो आर्द्रता के रूप में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पाँच नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसमें
सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो आप लोग बता सकते हो पानी में, जल में आप लोगों को सर्वोच्च सर्वोच्च मतलब विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, आप लोगों को मैक्स वेल ने की थी। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो आप लोग बता सभी तरंग देख है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से किसका उत्पादन होता है, तो आप लोग मतलब विद्युत ऊर्जा में, तो दोस्तों आप लोग का जो होता है ना सौर ऊर्जा वोल्टेज सेल में जो रूपांतरण करता है, तो विद्युत ऊर्जा का मतलब कि आप लोग का होता है, ठीक है, उत्पादन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात क्या है, तो आप लोग सूर्य के विकिरण का पैरावैज्ञानिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, तो ओजोन के कारण नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्रह किस प्रकाशीय परिघटना के कारण होता है, तो ग्रहण लगता है हम लोग किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगता है, तो आप लोग को बता सकते हो विवर्तन के कारण लगता है, ठीक है दोस्तों, विवर्तन के कारण। दोस्तों पूछा है कि ये कोई क्वेश्चन ये पूछा गया था, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या था, दोस्तों ये आप लोग को पूछा गया था, ये आप लोग को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप लोग को याद करके जाइएगा। देखिए ओजोन परत को नापने की इकाई है, आप लोग को बता सकते हो डाटसन, ठीक है, डाटसन। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, धारिता का एसआई मात्रक है, तो आप लोग का फैराड और आप लोग का कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, फैराड और कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछा गया था ट्रांजिस्टर क्या है, तो आप लोग को ट्रांजिस्टर एक मतलब अर्धचालक युक्ति है जिसे मुख्यतः मतलब प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर तथा इलेक्ट्रिकल स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर, आप लोग जो आप बता रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन की बात कीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था डायोड क्या होता है, एक तरह का एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो कि करंट को एक ही मतलब दिशा में फ्लो करने देता है, तो इसे हम लोग को जो होता है ना ये डायोड होता है, ये आप लोग क्वेश्चन पूछा गया था, डायोड एक तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि करंट को एक ही दिशा में फ्लो करने देता है, जो कि आप लोग का जिसे एनोड कैथोड जो होता है ना, तो कैथोड पर आप लोग का माइनस सिन और एनोड पर प्लस सिन सिंबल होता है, उपयोग होता है। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था ऊपर वाला 15 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन बात की जाए, एसी और डीसी में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा करंट होता है, तो आप लोग बता सकते हो, तो एसी करंट की चपेट में आने से मनुष्य के शरीर के वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है दोस्तों, इतना मतलब खतरनाक नहीं होता है, सबसे ज़्यादा आप लोग को डीसी करंट हो जाए, क्यों, क्योंकि डीसी करंट में चपेटे में आने से मनुष्य के शरीर को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक मृत्यु ना हो जाए, इसलिए आप लोग का ये खतरनाक होता है डीसी करंट, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टर का लाइन भी डीसी करंट है, ठीक है, ये भी बहुत तेज मारता है, तो दोस्तों इन्वर्टर की जो लाइन है तो करंट अपने का डीसी है। दोस्तों बात कीजिए, दोस्तों डीसी है, थोड़ा देख लीजिएगा, देखिए दोस्तों बात की 17 नंबर क्वेश्चन की, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में आप लोग का गैस कौन सी भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है दोस्तों, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, जिस परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं, इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, एसी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित हो, जिस तरह आप लोगों को पता ही है कोई धारा मतलब कंप्रेसिव नहीं होता, इस तरह कभी इस तरह तरह अल्टरनेटिव चलता है, इसी को मतलब आप लोगों एसी करंट कहते हैं। डीसी जो करंट होता है सीधा चलता है, धारा जिससे दोनों मतलब आप लोग का सीधा इस तरह चलता है, ये ठीक है दोस्तों। बात की 18 नंबर क्वेश्चन, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बता सकते हो कि विद्युत फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन किया कि एक सबसे अच्छा फ्यूज़ किसका होता है, तो आप लोग बता सकते हो टीन, जिंक और आप लोगों लेड की सबसे अच्छा फ्यूज़ होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों जो भी कैंडिडेट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसका PDF लेने के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।